हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीना आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपसे 31st नंबर पेज फ्लावर वर्वेन के बारे में बात करूँगी। दोस्तों, कि वर्वेन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, वर्वेन पेज फ्लावर के बारे में वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारा इसमें एक्सपीरियंस लिया और सो इसको सर्च भी करा, क्योंकि कई जगह मुझे इसका जो पॉइंट्स लिखे थे वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे कि इतने से ही पॉइंट्स के लिए वर्वेन है कि जुनूनी है, उत्साही है, महत्वाकांक्षी है, तो हम वर्वेन को कहाँ यूज़ करेंगे। तो इसलिए ही मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, एज वेल एज मैंने कई पेशेंट्स को भी इसको देखा तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। दोस्तों, वर्वेन मेडिसिन दोस्तों बेज फ्लावर में आने से पहले ये पहले ही प्रूव हो चुकी थी, जब ये बेज फ्लावर में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी। दोस्तों, वर्वेन का बहुत दोस्तों ये हिस्ट्री है कि इसके फूलों की चाय बनाई जाती थी, वर्वेन टी। दोस्तों, तो उसका क्या था, 1652 में द इंग्लिश फिजिशियन बुक में वर्वेन टी के बारे में बताया गया था कि वर्वेन की चाय कैसी चाय होती है, वर्वेन के फूलों की चाय, कि आपके स्ट्रेस को ठीक करते हैं और जो आपका ओवर एक्टिव माइंड हो जाता है ना, ओवर एक्टिव माइंड की वजह से जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है, आपका स्ट्रेस, आप शांति नहीं मिल पा रही है, आप काम नहीं हो पा रहे, तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा रोल करती है वर्वेन के फूलों की चाय। दोस्तों, ये 1652 में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था। ऑल्सो वर्वेन के बारे में 18th century में द साइरस हर्बल क्योर बुक में भी कहा गया कि वर्वेन का बहुत अच्छा रोल है कि जब आपको स्टोन रिमूव करना हो आपकी बॉडी में, तो ये एक थ्रो अवे की तरह वर्क करती है वर्वेन। तो वर्वेन बेज फ्लावर में आने से पहले ही इसको काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनली इसको यूज़ किया जा रहा था, कहीं इसकी चाय बना के यूज़ करा जाता था, स्पेशली इसकी चाय बना के यूज़ किया जाता। ऑल्सो होम्योपैथी की एक मेडिसिन है दोस्तों, वर्बीना ऑफिशनलिस, उसका कॉमन नेम भी ब्लू वर्वेन है, यही वर्वेन है। दोस्तों, जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वर्बीना, दोस्तों उसका भी स्पेसिफिक एक्शन यही है जो वर्वेन के लिए किया जाता है। तो अब हम रोशनी डालते हैं वर्वेन पे। दोस्तों, वर्वेन के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी कई जगह थ्योरीज आ ही रही थी। तो अब वर्वेन फेमस कैसे हुआ, जब इसको बेज फ्लावर में इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों 38 बेज फ्लावर्स के अंदर, तो ये क्या हुआ, जब डॉक्टर एडवर्ड बेज जिन्होंने बेज फ्लावर्स की खोज की है दोस्तों, बेज फ्लावर की खोज कब हुई है, 1930 में हुई है दोस्तों। तो वो जब अपने घर माउंट वर्नोन पर थे, मिलता जुलता ही नाम है, जब मैं हिस्ट्री निकाल रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि काफ़ी मिलता हुआ नाम है, तो वहाँ पर थे। तो वो जब अपने घर के बाहर उन्होंने देखा, वो क्या करते थे, कई आसपास के अपने जंगली पेड़ पौधों को देखते थे, ऑल्सो जो कीट पतंगे होते हैं ना, वो किस फूल पे बैठ के रिलैक्स फील कर रहे हैं, कहाँ क्या है, उनकी एक्टिविटी को भी काफ़ी ऑब्जर्व करते थे दोस्तों डॉक्टर एडवर्ड बेज। तो वो अपने माउंट वर्नोन घर के बाहर देख रहे थे कि एक कीड़ा, कीट पतंगा था कोई सा, वो मरे हुए गुलाब पर बहुत सुकून से बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब भी जो भी ये कीट पतंगे होते हैं, वो भी किसी भी मरे हुए चीज़ पर बैठ के सुकून से नहीं बैठते। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मरे हुए गुलाब के ऊपर वर्वेन फ्लावर है, उसके ऊपर ये कीट पतंगा सुकून से बैठा है, तब उनके चेहरे पे खुशी जाग गई दोस्तों। दोस्तों, मैंने ये निकाला है डॉक्टर एडवर्ड बेज की हिस्ट्री में से, उनके चेहरे पे खुशी जाग गई जब अपने उस घर पर थे माउंट वर्नोन पे, कि ये फ्लावर उसको सुकून दे रहा है, दिस इज़ द फ्लावर इज वर्वेन बेज फ्लावर। जी हाँ, तो इसलिए ही डॉक्टर एडवर्ड बेज ने वर्वेन को उस टाइम अपने फ्लावर्स में ऐड करा। समझ गए ना आप, वर्वेन तो पहले से ही चल रहा था, कोई इसकी चाय बना रहा था, उन्होंने चेक किया कि उसको सुकून मिल रहा है, ये ओवर एक्टिव कीड़ा था, इधर उधर कीट पतंगे घूमते रहते हैं, जू 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 करते रहते हैं, तो वहाँ उसको सुकून मिल रहा है, तो उन्होंने उसके बारे में सर्च करना शुरू करा। तो सर्च जब उन्होंने करा तो उन्होंने पाया वर्वेन के बेज फ्लावर के अंदर है हीलिंग प्रॉपर्टी दोस्तों, वो आपको काम करता है, ओवर एक्टिव माइंड्स स्ट्रेस फ्री करने के लिए मदद करता है। ऑल्सो उन्होंने कई सारी चीज़ें सर्च करी कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी स्पाजमोटिक है, ऑल्सो आपके एनाल्जेसिक पेन भी ठीक करने में मदद करती है, जैसे भी आपके पेन को भी ठीक करने में मदद करती है, ये काफ़ी सारी उन्होंने रिसर्च करी दोस्तों। और
रियली वर्विन ए बहुत अच्छी होती है बेज फ्लावर दोस्तों, आपकी सारी चीज़ों को ठीक करने में। हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ वर्विन का यूज़ करते हैं, पर उससे पहले हम वर्विन के जो बेज फ्लावर वाला पेशेंट होता है उसका नेचर समझ लेते हैं दोस्तों। मैं इसकी क्लिनिकल कंडीशन आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बट पहले हम नेचर समझ लें दोस्तों। वर्विन बेज फ्लावर वाले पेशेंट का नेचर जो होता है, जुनूनी, काम करते रहने का जुनून, मतलब अति उत्साही, महत्वाकांक्षी, एक ऐसा इंसान उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने आसपास के माहौल को भी वैसे ही चेंज कर लूँ जो मैं कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी वैसे ही करें, मेरे फैमिली भी वैसे ही करें, मतलब जो वो है ना सामने वाले का समाज सुधारक टाइप का है कि चीज़ें बदलना चाहता है, वो फोर्स भी करेगा, मतलब ज़्यादा दबाव, डोमिनेटिंग टाइप का नहीं है, डोमिनेटिंग इज़ वाइन, ये कहेगा कि यार तो मैं ऐसा करता हूँ मुझे बहुत फ़ायदा है, तुम भी करो ना। अगर आप उसको कुछ टालोगे भी ना तो वो आपको फिर दूसरी चीज़ करेगा, नहीं मैं ऐसे कर लूँगा, तो आप कहोगे मैं नहीं आ पाऊँगा वहाँ पर, नहीं मैं तुझे पिक करने आ जाऊँगा ना, मतलब आपको फोर्स करेगा कई तरीके से, जो आपके बहाने होते हैं उसको ठीक करेगा, मतलब समाज सुधारक टाइप का है। तो इस टाइप का इंसान जुनून काम करते रहने का, जुनून के चक्कर में वो अपने बॉडी को भी एक रिलैक्स की ज़रूरत होती है वो भूल जाता है, ऑल्सो जो मैंने ठान लिया तो ठान लिया, वो इस टाइप का काम करने का है इसका नेचर, कि जो कर लिया तो वो ठान लेता है उस टाइप का, जुनून, उत्साही, एम्बिशियस और ज़्यादा काम करते रहना इसका नेचर ही है, और समाज को सुधारना चाहता है। तो ये वर्विन हो गया। अब वर्विन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज़ द कंडीशन, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन वर्विन की, जो मैंने आपको बताया उसको काम करते रहने का जुनून है, तो इस चक्कर में उसकी बॉडी को आराम की ज़रूरत है, वो भूल जाता है। तो दिस इज़ द कि आपको ओवर थकान हो गई है, आप कहीं थक गए हो, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए, ओवर एक्टिव माइंड आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का चल रहा है, तो वर्विन मतलब उसको पता भी नहीं चलता, रातों रातों तक जगते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, क्योंकि दिस इज़ द ओवर एक्टिविटी ऑफ योर माइंड दोस्तों। तो वर्विन आप यूज़ करिए आपकी आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए, तनाव को कहें अलविदा। ऑल्सो वर्विन आप यूज़ करिए जब आप शांति मतलब कामनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो हेडेक के लिए वर्विन बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, क्योंकि आजकल हेडेक हो है, ओवर एक्टिव माइंड होगा, आप स्ट्रेस में जाओगे, तनाव में होगे, शांति नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको सर दर्द हो ही जाएगा, तो वर्विन आपका हेडेक भी ठीक करने में मदद करती है। ऑल्सो वर्विन आपको इंसोम्निया प्रॉब्लम मतलब जिसको अनिंद्रा, नींद ना आने की परेशानी कहते हैं दोस्तों, जब आप रातों रातों को जगते हो आपको नींद नहीं आती है, तो वर्विन आपका जो ओवर एक्टिविटी हो रही है आपके मन, नींद ना आने की वजह क्या है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज़ चल रही है और वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, परेशानी की वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, तो ऐसी प्रॉब्लम इंसोम्निया को भी ठीक करने में मदद करती है वर्विन बेज फ्लावर। ऑल्सो आपकी आंखें खिंची खिंची लगती हैं, आई स्ट्रेन वाली प्रॉब्लम जो होती है, क्योंकि सॉरी ज़्यादा काम करने की वजह से आपकी आंखों पर, क्योंकि आजकल ऐसा वर्क ही हो रहा है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कंटिन्यूसली लाइटिंग वाला वर्क, तो इस वजह से आपकी आंखों पे एक लाइटिंग इफेक्ट पड़ता है, तो आप उसको रिलैक्सेशन नहीं दे पाते, आंखें खिंची खिंची, आंखों में दर्द होना, तो ये चीज़ें भी ठीक करती है वर्विन बेज फ्लावर। मैंने आपको बताया था एनाल्जेसिक है, तो ये दर्द ठीक कर दिया आपका हेडेक, आपकी आँखों का दर्द। ऑल्सो कहीं स्टिफनेस हो गई जैसे आपके शोल्डर में, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा रोल करती है वर्विन बेज फ्लावर। अब वर्विन बेज फ्लावर का एक और बहुत अच्छा रोल है स्किन पे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बंस बर्न हो गया मतलब जलन वाला, जल जाता है किसी का, वहाँ पे बहुत अच्छा रोल करती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, कट से बर्न से स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है वर्विन बेज फ्लावर दोस्तों। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने ना पेशेंट्स को देखकर ही आपको बता रही हूँ कि यहाँ वर्विन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं वर्विन के बारे में जानना चाहती थी कि वर्विन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे पता चला कि हेडेक में इज हेडेक और माइग्रेन इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट्स, आपके स्ट्रेस को ठीक करती है, आपके इंसोमनिया में बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी आँखों में जो खिंचाव हो रही है वहाँ बहुत अच्छा है, आपको शोल्डर स्टिफ हो गया है, कड़कपन आ गया है, तो वहाँ बहुत अच्छी है वर्विन बेज फ्लावर दोस्तों।
ऑल्सो मैंने आपको इसका नेचर बताया दोस्तों। हाँ समझे कि वर्बेन को हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं दोस्तों। वर्बेन एक्सलेंटली वर्क करती है आपके तनाव को दूर करने में, आपके सिर दर्द माइग्रेन को ठीक करने में, आपकी आंखें खिंची खिंची लग रही हैं वहाँ ठीक करने में मदद करती है। ऑल्सो आपको नींद नहीं आ रही वो प्रॉब्लम, और आपका जो ओवर एक्टिव माइंड है उसको ठीक करने में मदद करती है। अति उत्साही चीज़ें हो जाती हैं ना दोस्तों, हद से ज़्यादा चीज़ें भी ना नुकसानदेह होने लगती हैं, तो वैसे आपके बॉडी पे इसके इफ़ेक्ट आने लगते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट आने लगते हैं। ऑल्सो वर्बेन का स्किन पे बहुत अच्छा रोल है, स्किन में बहुत अच्छा रोल करती है वर्बेन बेथ फ्लावर। बर्न्स के केसेस में मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे, इसको एक्सटर्नली अप्लाई भी करा है अच्छे से एक ऑयल के साथ मिला के, तो बहुत अच्छा रोल करती है वर्बेन फ्लावर। और इसका नेचर आप समझ गए ना, जुनूनी उत्साही महत्वाकांक्षी, हद से ज़्यादा जुनून है, काम करते रहने का जुनून और करेंगे, और लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर। समाज सुधारक सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि वो चेंज कर दे अपने आसपास वाले माहौल भी, मेरी तरह ही बदल जाए सब लोग, करेंगे या मरेंगे मर मिटने वाली उसकी क्वालिटी होने लगती है। ऑल्सो उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो भी सामने वाला भी वैसा करे। साथ ही साथ आपकी फैमिली में आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि आप कहते हो कि ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। यस इट्स अ वर्बेन, योर हस्बैंड इज़ वर्बेन, मतलब आपके यहाँ जो ऐसा नेचर हो जाता है ना कि ये तो सुनते ही नहीं है और अपनी ही करवाना चाहते हैं, दिस इज़ द वर्बेन। समझ गए आप वर्बेन फ्लावर को, उसका नेचर समझ गए, उसकी क्लिनिकल कंडीशन समझ गए ना। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। मैंने डिफरेंटली है ये, मतलब कई जगह तो मैंने देखा है कि बहुत जोशीला है वर्बेन, हद से ज़्यादा जुनून महत्वाकांक्षा उत्साही ये वो बहुत सारी चीज़ें देखी। हाँ ये सब है उसमें क्वालिटी, और अपने समाज को बदलना है, लीडरशिप है, समाज सुधारक की, दिस इज़ अ क्वालिटी। तो मुझे उसकी क्लिनिकल कंडीशंस भी जाननी थी वर्बेन की, दिस इज़, तो मैंने उसको सर्च भी करा, ऑल्सो मैंने पेशेंट्स को दिया भी, तो बहुत मुझे एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिले वर्बेन के बारे में कि बहुत अच्छा है आपकी स्ट्रेस को दूर करने में, आपके सिर दर्द के लिए, आपके माइग्रेन को, आपके इंसोमनिया की प्रॉब्लम को ठीक करने में। ऑल्सो स्किन पे भी बहुत अच्छा रोल करती है वर्बेन फ्लावर दोस्तों। आई होप आप ये वर्बेन बेच फ्लावर को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। आगे की वीडियो में और भी बेच फ्लावर के बारे में बता चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखी मेरी लास्ट वीडियो तो उसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आप अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।